जानना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता युद्धवीर सिंह जी, इनसे बात करते हैं। आप लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, किसान संसद के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बताना चाहेंगे जो बार बार कहते हैं कि बताएं किसान इसमें काला क्या है। आज पूरी डिटेल में किसान अपना रखेंगे कि ये कानून में क्या क्या खामियां हैं। अलग अलग संगठनों के तीन तीन लोग आ रहे हैं एक संगठन से, और सब अपनी बात रखेंगे। एक पार्लियामेंट की तरह से ठीक है, एक ही पक्ष के लोग हैं, सारे वो लोग हैं जो कानून रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को रखेंगे। जो सरकार कह रही है काला क्या है, वो बताएंगे काला क्या है। 200 किसानों को इजाजत दी गई है, तो किस तरह से आप लोग सबको आई कार्ड दिए हुए हैं और शांति बनाने की कोशिश करेंगे? हर संगठन के 3 आदमी शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उनके संगठन के लीडर के जो नाम दिए उसके अनुसार लीडर और 2 लोग एक संगठन से आ रहे हैं आज, और जो आज आ रहे हैं वो कल नहीं आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। इसके अलावा भारी संख्या में दिल्ली पुलिस की यहाँ पे तैनात है, जवान सुरक्षा है, क्या संदेश यहाँ से आप लोग देंगे? क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बात है? मैं आभार व्यक्त करूंगा सरकार की इस व्यवस्था का। कोई बैड एलिमेंट जो 26 जनवरी को घुसे थे ना घुसें, और हमारी संसद को खराब ना करें, तो ये हमारी मदद कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवादी हूँ। शाम 5 बजे तक आप लोगों का वक्त है, क्या उसके बाद चले जाएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। कल दूसरा जत्था आएगा, ये लोग नहीं होंगे। किसान संसद शांतिपूर्ण तरीके से एक उदाहरण पेश करेंगे देश के सामने। आपको लगता है कि इसके जरिए सरकार बात सुनेगी? निश्चित तौर पे, यही तरीका है प्रजातंत्र में, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सरकार सुने ना सुने वो सरकार को सोचना, लेकिन लोगों के पास कोई दूसरा तरीका नहीं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे किसान नेता युद्धवीर सिंह को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से जो इजाजत दी गई है शाम 5 बजे तक यहां पर इन लोगों का किसान संसद चलेगा, और उसके बाद साहिल शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग यहां से वापस चले जाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।